तो गाइज यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग हम इसमें करते हैं। ओके तो अब सबसे पहले आप मुझे बताइए एरर्स के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स। कंपाइल टाइम, रन टाइम। यस करेक्ट, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो एरर्स बेसिकली दो टाइप्स के एरर्स होते हैं। अभी देखिए इसमें कंपाइल टाइम जो एरर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं। अब कंपाइल टाइम एरर्स के मतलब क्या कि ये जो एरर्स होते हैं जनरली प्रोग्रामर्स के मिस्टेक की वजह से आते हैं। अब कौन सी मिस्टेक, क्या मिस्टेक, तो जैसे सपोज सेमी कॉलन मिसिंग हो गया, सेमी कॉलन दिया नहीं, तो टाइपिंग मिस्टेक से जो भी आते हैं, सपोज टाइपिंग मिस्टेक से जो भी एरर्स आते हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स, तो अभी टाइपिंग मिस्टेक्स क्या क्या होती है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि सेमी कॉलन छोड़ देते हैं, सेमी कॉलन मिसिंग, बराबर। उसके बाद जो रिजर्व वर्ड्स है या फिर जो स्टैंडर्ड क्लास है उनका मिसस्पेल्ड, स्पेलिंग गलत लिखना, तो मिसस्पेल्ड द रिजर्व वर्ड्स, करेक्ट, रिजर्व वर्ड्स को गलत लिखना, स्टैंडर्ड क्लासेस का नाम गलत लिखना, स्टैंडर्ड क्लासेस और मेथड्स का नाम गलत लिखना। ओके तो ये जो एरर्स आते हैं बेसिकली उनको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। तो ये एरर्स को हम हैंडल नहीं कर सकते और ये अगर एरर्स आए तो हमारा प्रोग्राम रन भी नहीं होता है। ओके तो बेसिकली इनको सॉल्व करना ही आपके लिए पहला ऑप्शन होता है और वही एक चॉइस होता है कि यू हैव टू सॉल्व दिस एरर्स। ये एरर सॉल्व करके ही आप आगे जा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, मतलब कंपाइल टाइम अगर हम देखें तो देर विल बी नॉट एरर, कुछ भी एरर नहीं होता है, बट रन टाइम एरर्स आते हैं। तो रन टाइम एरर आने से क्या होता है, तो रन टाइम एरर जो होते हैं ना, जैसे अभी सपोज रन टाइम एरर में अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है, सपोज अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 0, अब मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। अब अगर सिंटैक्टिकली हम देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सिंटैक्स के हिसाब से एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है। बट अब मुझे बताओ लाइफ में कभी कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होती है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर, दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर। मतलब सिंटैक्टिकली तो कंपाइलर को सब सही लगता है कि यार चलो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज राइट, सिंटैक्स राइट है, आपने स्पेलिंग भी बराबर लिखा हुआ है, सेमी कॉलन भी हर जगह पे दिया है, बट यू हैव टू अटेम्प्टेड डिवाइड बाय 0। दूसरा एक और ऑप्शन देता हूँ मैं, जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन करने के लिए वो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर वो फाइल ही नहीं है और आप उसका पाथ दे रहे हो, उसका नाम लिख रहे हो कि इसको ओपन करो, तो कंपाइलर को वो सही लगेगा क्योंकि कंपाइलर को पता है कि सिर्फ पाथ होना था। लेकिन फाइल कब ओपन होती है, रन टाइम फाइल ओपन होती है। फिर रन टाइम जब उसको वो सीएलआर जो हमारा है वो फाइल ओपन करने को देखेगा तो वो फाइल उसको वहाँ पे नहीं मिलेगा और फिर यहाँ पे एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड। सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर बेसिकली नोन एज रन टाइम एरर्स। तो ये जो रन टाइम एरर आते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, तो बेसिकली रन टाइम एरर आने की वजह से वहाँ पे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है। जब रन टाइम एरर आते हैं तो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है। सो व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन, कोई बता सकता है मुझे? जब जब आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर आएगा तब तब आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो एक्सेप्शन का मतलब एक्चुअली है क्या? सो सी दिस, हम अगर एक्सेप्शन की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले व्हाट इज एक्सेप्शन, एनीवन कोई बताएगा मुझे एक्सेप्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सेप्शन? ओके तो चलिए एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं। ये एक्सेप्शन अगर आपको याद होगा तो हमने C++ में भी देखा था, और अगर आपको याद होगा तो भूषण सर ने भी जावा के अंदर भी शायद इसको कवरअप किया होगा। ओके शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जावा उन्होंने बहुत स्पीडली शायद आपका कवरअप किया था, तो इसलिए शायद बोल रहा हूँ। सो व्हाट इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की वजह से क्या होता है, एक्सेप्शन बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में आता है। सो द एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम आपका चलता रहता है तो बीच में एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन आने से क्या होता है, जब भी आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है।
है ना, और डिस्टर्ब होते जिस लाइन पे एक्सेप्शन आया वहाँ से प्रोग्राम डायरेक्टली अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, मतलब सिस्टम प्रोग्राम को बंद कर देती है ना, मतलब प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं होता है। ओके, अब जनरली क्या है, एक्सेप्शन आना नहीं आना ये हमारे हाथ में नहीं है एज अ प्रोग्रामर, बट हम अगर एक्सेप्शन आया, जैसे एक सिंपल बात बोलता हूँ, हम लाइफ में लाइफ जी रहे हैं, बीच में क्या प्रॉब्लम आएगा कैसे आएगा हमें पता नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम आने वाले हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ गया तो हम लाइफ बंद कर देते हैं, मतलब लाइफ रुक जाती है, पॉसिबल ही नहीं। अभी जैसे सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको, कोविड आया, कोविड-19 से सभी, ऐसा शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जो प्रभावित ना हुआ हो, जिसके ऊपर इसका कोई असर ना हुआ हो, किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी तरीके से हर एक के ऊपर इसका असर हुआ, बट स्टिल ऐसे हम जब अभी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस था हमारा, वो भी हमने वहाँ पे लर्निंग टीचिंग का जो प्रोसेस है वो भी बंद हो गया था ड्यू टू द कोविड-19, बट स्टिल वी आर हैंडलिंग दिस एरर। तो ये जो सिचुएशन है हमने हैंडलिंग किया, अब वो टीचिंग और लर्निंग का नया तरीका हमने ढूंढ लिया, दैट इज़ ऑनलाइन टीचिंग। मतलब हमने यहाँ पे ये प्रोसेस को ब्रेक नहीं किया, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमने ब्रेक नहीं किया, चलो कोविड-19 आया का ये आने वाला था, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये आ गया, लेकिन ये आने के बाद हमारी जो लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, हमारा एग्जीक्यूशन जो रुक गया था टीचिंग लर्निंग का, उसको हमने इस एरर को हैंडल किया, और अब हमारा जो सिचुएशन है हम चल रहे ऑनलाइन, भले हम ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन हमारा सिचुएशन चल रहा है, प्रोसेस ब्रेक नहीं हुआ। तो लाइव प्रोग्राम में भी ऐसा कई बार होता है कि ऐसी लाइन पे एरर आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम बीच में ही बंद हो जाता है। ओके, बट हम चाहते हैं एज अ प्रोग्रामर, चलो ये आने वाला एक्सेप्शन उसके लिए हमारे हाथ में एज अ प्रोग्रामर कुछ नहीं है, बट स्टिल आगे का एग्जीक्यूशन तो कंटिन्यू हो। अब मान लीजिए चलो ये डिवाइड बाय जीरो यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्टिंग डिवाइड बाय जीरो, चलो मान लो ये अटेम्प्टिंग डिवाइड बाय जीरो हो गया, बट आगे मैंने ऐसा लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, इट इज़ पॉसिबल, और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, बट इस लाइन पे एरर आने की वजह से, एक्सेप्शन आने की वजह से कंपाइलर क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोग्राम को डायरेक्टली टर्मिनेट कर देगा, इस लाइन से डायरेक्टली, मतलब बचे हुए जो लाइन है ना ये वाली, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब डायरेक्टली बीच में से ही प्रोग्राम को टर्मिनेट किया जाएगा। अब नॉर्मली बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बीच में ही प्रोग्राम को बंद किया जाएगा। ओके, ये था एक्सेप्शन की वजह से हमारे प्रोग्राम के ऊपर को क्या असर आता है, कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव करता है। तो जब जब आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगा, वो आने वाला है, उसके ऊपर हमारा कोई कमांड नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन जो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, तो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा तो हमें पूछ के नहीं करने वाला है। अगर उसने पहली वैल्यू 10 दे दी, दूसरी 0 दे दिया, और अपने अगर डिवाइड ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म किया है, तो वो ऑपरेशन पे फिर एक्सेप्शन आने वाला है, और एक्सेप्शन हर बार आएगा ऐसा भी नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 10 आया, यूज़र ने दूसरी वैल्यू 5 दे दी, तो अब ये तो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा, सक्सेसफुली रन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपरेशन अभी सक्सेसफुली कर वहाँ पे परफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई हमने गलत दिया नहीं। बट अगर मान लो यूज़र ने 0 दिया, तो अब एज अ प्रोग्रामर आपने ये बात सोचनी चाहिए कि चलो अगर ऐसा हो सकता है, गलत इनपुट आ सकता है, तो गलत इनपुट आने की वजह से चलो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट भले ही ना एग्जीक्यूट हो, बट बचा हुआ जो प्रोग्राम है, रिमेनिंग जो प्रोग्राम है, वो तो कंटिन्यू चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए नॉट, चलना चाहिए, क्योंकि इसका क्या कसूर है, लाइन यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, बट ये तो परफेक्टली ऑलराइट लाइन है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आने वाला है, इसको कंसिडर ही कर रहे हैं। जैसे अभी हम देखो, हम कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं, अभी हर एक के घर में हेल्थ पॉलिसी होगी किसी ना किसी, हेल्थ पॉलिसी हमने क्यों लिया, क्यों लेते हैं हम हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि हमें पता है सिचुएशन ऐसे आ रहा है, कभी भी किसी भी वक्त हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, और जब मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ तो मेरे वजह से, मेरा काम धंधा रुकने की वजह से घर की जो प्रोसीजर या जो खर्चा है वो घर पे नहीं आना चाहिए, तो हम फिर पॉलिसी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर मैं अगर हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ तो मेरा खर्चा आराम से चले, मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, सिंपल थिंक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, पॉलिसी नहीं रही, तो फिर हम बेचारा खर्चे के पीछे लग जाएंगे, कभी कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, सो दैट्स इट। तो इस तरीके से यही प्रोग्राम में भी हो रहा है कि चलो ये आने वाला है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते,
लाइफ में भी हम बोल रहे हैं कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में यह तो कि हम उसके लिए कुछ हैंडलिंग प्रोसीजर तो करें ताकि अगर वो आए भी तो पूरा लाइफ हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो इसी तरीके से एक्सेप्शन जब प्रोग्राम में आता है तो उसको हम डिस्टर्ब ना होने दें पूरे प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे और उस हैंडलिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म कहते हैं, उस हैंडलिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। दैट्स इट। सो यहाँ पे हम एक्सेप्शन क्या है वहाँ से देख रहे थे कि एक्चुअली एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्शन भी एक प्रॉब्लम है जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में आ जाता है। दैट्स इट, सिंपल डेफिनेशन है। एंड एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कहाँ पे आएगा, कब आएगा, वी डोंट नो। और एक्सेप्शन आने से होता क्या है, व्हेन एन एक्सेप्शन ऑकर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिस्टर्बेड एंड द प्रोग्राम और एप्लीकेशन टर्मिनेट्स अबनॉर्मली। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जो हमें .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक्चुअली हर लैंग्वेज में उसका जो इंटरप्रिटर है उसको प्रोवाइड करता है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट द रन टाइम एरर्स एंड हैंडल द रन टाइम एरर्स, है ना। वो एरर्स को डिटेक्ट करता है कि चलो यहाँ पे रन टाइम एरर आ सकता है, फिर वो उसको हैंडल करता है। सो वी परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्यों करते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लो है आपके एप्लीकेशन का वो मेंटेन होना चाहिए इवन एक्सेप्शन आने के बाद भी। सो दैट्स इट, वी परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो आपको अगर पूछा गया मान लो वाइवा में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों परफॉर्म करते हम, तो आपको ये चीज़ें बताते आने चाहिए कि सर एक्सेप्शन आने की वजह से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चलना चाहिए इवन द एक्सेप्शन इज ऑकर, हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, तो उस केस में हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। सो दैट्स वाई वी परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं, समझ में आया आपको अभी, टू हैंडल द एक्सेप्शन, ताकि हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन रहे और चलता रहे, जो बीच में टर्मिनेट ना हो। दैट्स वाई वी परफॉर्म द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो ये हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिटेल कि क्यों हम एक्सेप्शन, कैसे आता है, एरर्स कैसे होते हैं, एक्सेप्शन आने की वजह से क्या होता है और उसको हैंडल हम कैसे करेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू हैंडलिंग द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका क्या है। तो सी शार्प में ये एक सिंटैक्स है जिसको हम ट्राई कैच कहते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक भी कहते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको आपका जो कोडिंग है जहाँ पे आपको लगे कि सर मे भी ये लाइन पे एरर आ सकता है, तो हम वो लाइंस को ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। ओके, कौन सी लाइंस को ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि सर दिस लाइन मे बी ऑकर एक्सेप्शन, तो उस लाइंस को हम यहाँ के अंदर लिख देंगे ट्राई के अंदर। और उसके बाद कैच ब्लॉक में क्या होता है, तो ट्राई के नीचे एग्जैक्टली कैच ब्लॉक होना चाहिए और यहाँ पे कौन से टाइप का एक्सेप्शन आया है। तो सी शार्प में देखो एक हायरार्की मेंटेन है, ऑल दी एक्सेप्शन जो है उनका एक स्टैंडर्ड क्लास सी शार्प में अवेलेबल है हर एक एक्सेप्शन के लिए, लेकिन इन सब का जो मेन क्लास है जहाँ से वो इनहेरिट होते हैं वो है एक्सेप्शन क्लास। स्टैंडर्ड हायरार्की मेंटेन होती है और इन सबका बेस क्लास है एक्सेप्शन क्लास है। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन जस्ट पास द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास। अब ट्राई ब्लॉक में हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये लाइन पे जिस टाइप का एक्सेप्शन आता है इंटरप्रिटर आइडेंटिफाई दिस, वो आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे ये टाइप का एक्सेप्शन, अगर डिवाइड बाय जीरो है तो डिवाइड बाय जीरो का एक्सेप्शन आएगा। और फिर यहाँ से एक्सेप्शन जिस टाइप का है उस क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है, और वो ऑब्जेक्ट थ्रो होने के बाद अगर हमारे प्रोग्राम में कैच ब्लॉक नहीं है तो प्रोग्राम रुक जाएगा। इसीलिए ट्राई के एग्जैक्ट नीचे कैच ब्लॉक होना ज़रूरी है ताकि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है एक्सेप्शन का वो हमारे कैच ब्लॉक में कैच हो सके, और कैच ब्लॉक में कैच होने के बाद क्या प्रॉब्लम आया है उसका मैसेज हम यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड अटेम्प्टिंग डिवाइड बाय जीरो कैन नॉट पॉसिबल, ये उतना एरर दे के आगे कंटिन्यू कर देगा, है ना। तो बीच में ये जो आ रहा है एरर वो आने वाला है उसको अवॉइड नहीं करेंगे बट उसको हैंडल करेंगे कि चलो भाई आपके प्रोग्राम में ऐसा ऐसा एरर आया है इसलिए हमने उसको टर्मिनेट किया, बट आगे का जो प्रोग्राम है आपका कंटिन्यू चलेगा। सो दिस इज अ सिंटैक्स टू हैंडल एक्सेप्शन। तो सबसे पहले आपको कोडिंग करना है ट्राई, उसके बाद कैच में। नाउ
लेट अस सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एग्जाम्पल हम विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक देखते हैं. सो सी यर एक्सेप्शन हैंडलिंग, नया प्रोग्राम तैयार करते हैं यहाँ पे, न्यू प्रोजेक्ट. ओके, इसको कंसोल एप्लीकेशन ही लेते हैं. सो एक्सेप्शन ई एक्स सी पी नाम दे देता हूँ मैं, जस्ट ई एक्स सी पी दैट इज एक्सेप्शन. ओके, पहले एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्या प्रॉब्लम आता है. अगर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरीके से प्रोग्राम टर्मिनेट होता है वो पहले देखते हैं, और फिर बाद में उसी प्रोग्राम में हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे और फिर क्या सॉल्यूशन हमें मिला वो भी हम वहाँ पे देख लेंगे. तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियरली प्रॉपरली समझ में आ जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड. यस, ये थोड़ा रीडिंग व्यू में है तो जस्ट लिख लेते हैं कोड को, क्या नहीं ठीक है. कोड लिख लेते हैं, हम वैल्यू रीड कर रहे हैं यहाँ से. यस, रीड कर रहे हैं. सो यहाँ पे तीन वैल्यू वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ठीक है, फिर यूज़र को मैसेज देते हैं. सो यहाँ पे यूज़र को मैसेज देने के लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन. राइट लाइन, ओके, एंटर वैल्यू फॉर एक्स. एक्स इज इक्वल टू इन डॉट पार्स. यहाँ पे लिखते हैं हम कंसोल डॉट रीड लाइन. ओके, ये हो गया आपकी पहली वैल्यू. अगेन सेकेंड वैल्यू में रीड करना चाहता हूँ कंसोल सी कंसोल वी. कंसोल डॉट रेड लाइन एंटर वैल्यू फॉर वाई, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई. y को लिखने के बाद अभी अगला कोडिंग हम देखते हैं कि हमने अटेम्प्ट किया है डिवाइड बाय ज़ीरो. ओके, डिवाइड बाय ज़ीरो अटेम्प्ट किया है, तो हम यहाँ पे करते हैं z इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y. फिर हमने डिवाइड बाय y कर दिया और यहाँ पे आउटपुट अगर ज़ीरो नहीं आया तो आउटपुट आना चाहिए. कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिखते हैं जेड इज इक्वल टू डिवीजन इज इक्वल टू डिवीजन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे आप जेड. ओके, और इसके बाद नीचे लिखेंगे एरर क्यों आया जी. फिर यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंड ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम एंड हो गया, ये इसका वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा. और उसके बाद सिंपल बाद में कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम. अब इसमें हमने कोई हैंडलिंग नहीं किया है, मतलब ट्राई कैच ब्लॉक हमने लिया नहीं है. अब इस प्रोग्राम को पहले तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं. अभी पहले हम जीरो नहीं देते, अगर जीरो नहीं देंगे तो प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. ओके, सी दिस, एंटर वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 5, बराबर से प्रोग्राम रन हो गया, डिवीजन आ गई, एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया, मतलब देर इज़ नो एरर नो एक्सेप्शन. नाउ अभी सेकंड टाइम रन करता हूँ, बट नाउ सेकंड टाइम मैं यहाँ पे वाई में ज़ीरो देता हूँ. पहले दिया 10, नाउ इट इज़ ज़ीरो. सी दिस, आउटपुट नहीं आएगा एंड नाउ एक्सेप्शन इज ऑकर. सी दिस, ओके, प्रोग्राम टर्मिनेट अब नॉर्मली, मैसेज आ गया. सी दिस, एरर आ गया और आगे का कुछ प्रिंट हुआ क्या? डिवीजन भी प्रिंट नहीं हुआ और एंड ऑफ प्रोग्राम का मैसेज भी नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय ज़ीरो, डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन वॉज अनहैंडल्ड. मतलब डिवाइड बाय ज़ीरो का एक्सेप्शन आया बट आपने उसको हैंडल नहीं किया है और इसी वजह से आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो गया. ओके, इसको क्लोज करेंगे, आपका एग्जीक्यूशन ब्रेक करेंगे मैन्युअली. नाउ इस तरीके से आपका प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो गया था विदाउट हैंडलिंग एक्सेप्शन. अब अगर यही प्रोग्राम जीरो आने के बाद भी आगे कंटिन्यू करना है तो यू हैव टू लाइट दिस कोड ट्राई ब्लॉक. यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक. ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर यह पूरा कोडिंग हम लिख देते हैं, कहाँ तक के लिखा है? कंसोल डॉट जीरो तक, यहाँ तक के. ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक में हमने कोडिंग लिख दिया और उसके बाद नीचे हम लिखते कैच. अब आपको पता है कि डिवाइड बाय ज़ीरो आएगा तो आप
डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन। अगर आपके पास, आपको परफेक्टली पता है कि किस टाइप का एरर आएगा, तो आप डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उसी टाइप का एरर आने वाला है। ओके, ई डॉट मैसेज, क्या मैसेज, ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दो, ई डॉट मैसेज। नॉन वेरिएबल मेंबर सिस्टम डॉट एक्सेप्शन मैसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड द मेथड ई डॉट यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट कंट्रोल कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ई डॉट मैसेज। तो क्या मैसेज आएगा, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि जो भी मैसेज, या फिर आपका मैन्युअली मैसेज भी आप दे सकते हो, ज़रूरी कि जो स्टैंडर्ड मैसेज वहाँ से पास होने वाला है वही आपको देना है। यू कैन राइट योर ओन मैसेज ऑल्सो, आपको खुद का भी मैसेज यहाँ पे राइट लाइन में लिखना है ना। ये हो गया आपका हैंडलिंग। अब हैंडलिंग होने की वजह से एंड ऑफ प्रोग्राम रीड लाइन ये बाद में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो लिखा हुआ है, आप खुद का भी मैसेज दे सकते हो। पहले स्टैंडर्ड मैसेज क्या आता है वो देख लेते हैं। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, इसको एग्जीक्यूट किया, नाउ एंटर वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 0, सी दिस अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0 एंड एंड ऑफ प्रोग्राम, एक्सेप्शन नहीं आया है ना, वहाँ पे एरर मैसेज आ गया कि आपने अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0, इसलिए उसने डिवीजन दिया ही नहीं, हमें डिवीजन दिया नहीं, क्योंकि हमें डिवीजन 0 से नंबर डिवीजन होता नहीं है। बट उसने आगे तो कंटिन्यू कर दिया, एंड ऑफ प्रोग्राम का मैसेज आ गया, बीच में प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं किया, मतलब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंटिन्यू हो गया। सो दिस इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल ट्राई कैच ब्लॉक, हैंडल एक्सेप्शन, ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, एंड दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 6 ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल नंबर 6 के लिए मैं कोई सेपरेट अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 6 ऑल्सो इन दैट लेक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो यहाँ पे आज हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट करते हैं।